हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ कोचिंग वाला। कैसे हो आप सर? बढ़िया, ठीक है सर। तो हम लोग चलते हैं क्लास में। तो यार देखो, क्लास में सर तुरंत नहीं लेके जा रहे हैं। क्लास में क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, मैं पिछला क्या पढ़ाया हूँ वो बता देता हूँ, तब हम लोग क्लास में चलेंगे। देखिए, हम लोग चैप्टर 5 का, बैंकिंग एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के यूनिट नंबर 5 का, हम लोग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उसमें हम लोग पढ़ रहे थे डेवलपमेंट बैंक को। डेवलपमेंट बैंक में हमने चार डिफरेंट सेक्टर में पढ़ा। सबसे पहले हम लोग डेवलपमेंट बैंक के बारे में तो पूरा पढ़ रखा था हम लोगों ने। फिर हमने चार डिफरेंट सेक्टर में उसको बांटा। एक सेक्टर था इंडस्ट्री, एक सेक्टर था आपका फॉरेन ट्रेड, एक सेक्टर आपका एग्रीकल्चर, एक सेक्टर आ गया हाउसिंग। ठीक है, अब जो आपका इंडस्ट्री था, इंडस्ट्री में हम लोग पाँच छः डिफरेंट DFIs को देखे, लाइक मुद्रा बैंक को देखे, IFCI को देखे, ICICI को देखे, IDBI को देखे, SIDBI को देखे, IRCI को देखे, ये सब देख लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखे फॉरेन ट्रेड में, फॉरेन ट्रेड में हम लोग एग्जिम बैंक को देखे। उसी लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एग्रीकल्चर के लिए कौन है भाई, तो नाबार्ड है। नाबार्ड जब हम लोग पढ़ रहे थे तो RRBs को भी पढ़ लिए। अब आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं सर? तो आज के लेक्चर में हम लोग हाउसिंग को देखने वाले हैं। हाउसिंग में कौन है? तो NHB है। अब NHB कब आया, क्यों आया, कैसे आया, वो सारे चीजों को इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, है ना। तो आते हैं क्लास में। चलिए, क्लास में सीधा आपको NHB पे ले आया हूँ। अब ये राम कहानी जानने से पहले थोड़ा मैं यहाँ बता दूँ। देखिए, जो 7th 5-year प्लान था, आप सोच रहे हो गई कहानी क्या है सर, राइटिंग तो थोड़ा अच्छा कर लो। अरे यार, पेन टाइप में लिखना पड़ता है, राइटिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती है इसमें, और कॉपी से तो पढ़ा नहीं रहा हूँ कि अच्छी राइटिंग मिले, पर कोई नहीं, एडजस्ट करो, कहानी सुनो। बाकी तो लिख ही दिया हूँ ना PDF में। ठीक है, तो 7th 5-year प्लान क्या था? 7th 5-year प्लान जो 1985 से 90 में आया, उसमें ये डिस्कस किया गया, आइडेंटिफाई किया गया था प्रॉब्लम कि भाई हाउसिंग फाइनेंस के लिए कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, लॉन्ग टर्म कोई फाइनेंस अवेलेबल नहीं है, तो ये बड़ा इशू है इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए। तो एक कमेटी ऑफ सेक्रेटरी बैठे और रिकमेंड किए कि सेटअप करना चाहिए हाई लेवल ग्रुप, और उसको चेयर कौन किया, तो डॉक्टर सी रंगाराजन को चेयर किए थे, डॉक्टर सी रंगाराजन। 28 फरवरी 1987 को PM अनाउंस कर दिए कि NHB बनना चाहिए, नेशनल हाउसिंग बोर्ड बनना चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक, अब हम लोग देखते हैं कहानी को डिटेल में कि क्या हुआ था। द सब ग्रुप, ओके कर देता हूं, द सब ग्रुप ऑफ हाउसिंग फाइनेंस फॉर 7th 5-year प्लान 1985 to 90, जो सब ग्रुप हाउसिंग फाइनेंस के लिए जो 7th 5-year प्लान में डिस्कस किया गया 1985 से 90 में, उसमें आइडेंटिफाई किया गया द लैक ऑफ फॉरेन लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस की कमी है किस फील्ड में भाई, इंडिविजुअल हाउस होल्ड ऑन सिग्निफिकेंट स्केल एज मेन ऑब्स्टेकल टू हाउसिंग सेक्टर प्रोग्रेस, एंड रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल, इसमें आइडेंटिफाई किया गया कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए कोई ऐसा इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए कोई ऐसा अवेलेबल नहीं है बैंक, तो कुछ तो करना चाहिए, कुछ नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए। ठीक है, ये जब बात हुआ तो कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज बैठे और वो कंसिडर किए, एक रिकमेंडेशन दिए कि सेटअप करो हाई लेवल ग्रुप, जिसका चेयर किए, जिसको डॉक्टर सी रंगाराजन, सी रंगाराजन चचा उसको चेयर किए थे। ठीक है, जो उस वक्त आम आदमी नहीं थे भाई साहब, मतलब मेरे आपके जैसे बेवकूफ नहीं, आप खैर होशियार हो भाई, गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, टू एग्जामिन द प्रपोजल एंड रिकमेंड द एस्टेब्लिशमेंट द NHB नेशनल हाउसिंग बैंक एज द ऑटोनोमस हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, द हाई लेवल ग्रुप रिकमेंडेशन वेयर एक्सेप्टेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो इसको एग्जामिन करने के लिए कि जो प्रपोजल रखा जा रहा है NHB बनाने का, उसको एक्सेप्ट करने के लिए ग्रुप बनाया गया, मतलब उसको उसको देखने के लिए कि क्या ये सही है, क्या गलत है, क्या लूप होल्स हो सकते हैं, क्या इसमें सुधार करना है, ये सारी चीज़ों के लिए वो कमिटी बैठी और ये हाई लेवल ग्रुप का रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई बना देते हैं, इतना तामझाम मत करो, बना दे रहे हैं, हर टाइम एक ही बात को लेकर इरिटेट करते हो, चलो बात मान गए तुम्हारा। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब बात मान गई तो आगे क्या हुआ। ऑन फेब्रवरी 28 1987, 28 फरवरी को, 14 फरवरी से याद रखना, 14 दिन बाद हुआ था, तुम लोग को वो डेट तो याद ही रहेगा।
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनाउंस द डिसीजन टू एस्टैब्लिश द नेशनल हाउसिंग बैंक NHB। ये अनाउंस कर दिए प्राइम मिनिस्टर चचा हमारे कि NHB बनाना चाहिए। अब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर चाचा थे कि चाची वो आप लोग देखिएगा। एन एपेक्स लेवल इंस्टीट्यूशन फॉर हाउसिंग फाइनेंस, ये एक एपेक्स लेवल मतलब ये भी अपने आप में पिताजी होंगे इस फील्ड के हाउसिंग फाइनेंस के। वाइल प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट, यूनियन बजट प्रेजेंट किया गया 1987-88 में, फॉलोइंग दैट द नेशनल हाउसिंग बैंक बिल 91 ऑफ 1987, बिल नंबर 91 था 1987 का ये बिल, विच प्रोवाइडेड द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ NHB। ये जो बजट पास किया गया, जो बजट एक्सप्लेन किया गया उसमें इसका जिक्र किया गया और इसको पास कर दिया गया पार्लियामेंट से विंटर सेशन 1987 में, एंड बिकेम एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विद द एसेंट ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन दिसंबर 23, 1987। 23 दिसंबर 1987 को प्रेसिडेंट के साइन के बाद इसे पास कर दिया गया, प्रॉपरली एक्ट बना दिया गया। द नेशनल हाउसिंग पॉलिसी 1988 प्रीज्यूम्ड द सेटिंग अप NHB, ये अज्यूम कर लिया, प्री अज्यूम पहले देख लिया, हाँ ठीक है बना देते हैं एपेक्स लेवल इंस्टीट्यूशन ऑफ हाउसिंग, बोला आप बना ले रहे हैं भाई साहब, है ना। इन अकॉर्डेंस ऑफ द एबव, इन सारी बातों के अकॉर्डिंग देखें तो NHB वाज सेट अप ऑन 9 जुलाई 1988 अंडर द नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। जब हमने आपको पढ़ा रहा था, मैंने आपको पढ़ाया RRB, जब हम लोग RRB पढ़ रहे थे तो हम लोग देखे RRB एकदम जज्बा में था, एकदम जज्बाती होकर लॉन्च हो गया 1975 में, और भूल गया कि भाई एक्ट पास करा लो फिर मुझे लॉन्च करो। जब बाजार में आया लोग उसको ताना मारने लगे, तुम्हारा एक्ट कहाँ है, तुम्हारा एक्ट कहाँ है, फिर जाके वो अपना लीगल स्टेटस लिया और 76 में उसको लीगल स्टेटस मिला। लेकिन NHB क्या किया, NHB प्री प्लान्ड होके आया, मतलब ये पहले अपना एक्ट पास कराया 1987 में और बना फिर 1988 में। तो 1987 में एक्ट आया, मतलब NHB एक्ट क्या है भाई साहब, 1987, और ये सेटअप कब हुआ, 9 जुलाई 1988 में, है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट द एंटायर पेड ऑफ कैपिटल, सारा पेड ऑफ कैपिटल RBI दिया था। द जनरल सुपरविजन डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ NHB अफेयर्स एंड बिजनेस आर डीपली इन्वॉल्व इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अंडर द एक्ट। द हेड ऑफिस ऑफ NHB कहाँ है भाई साहब, न्यू दिल्ली, दिल्ली चले हम, हाँ तो न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या था, आपका ऑब्जेक्टिव भी होता है, वीडियो देख रहे हो तो आपका भी कुछ ऑब्जेक्टिव है, लाइक कि हम लोग एग्जाम क्लियर करेंगे या अपने नॉलेज को इन्हांस करने के पर्पज से देख रहे हो, तो इसका भी कुछ ऑब्जेक्टिव है भाई साहब, ये भी कुछ उद्देश्य कुछ मकसद से आया, क्या इसका ऑब्जेक्टिव था। NHB वाज एस्टैब्लिश टू अचीव अलोंग विद अदर थिंग फॉलोइंग, वो अलग अलग कुछ चीजों को लेते हुए उसको क्या क्या करना है उसके साथ वो एस्टैब्लिश हुआ, क्या क्या अचीव करने, टू प्रमोट अ साउंड हेल्दी फिजिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम, एक कॉस्ट इफेक्टिव हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम को वो लाना चाह रहा था जो अच्छा लगे सुनने में भी, हेल्दी हो और फिजिबल हो, डेट सर्व ऑल सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन एंड इज कनेक्टेड विद द ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम, ये अपना हर सेगमेंट पॉपुलेशन के हर सेगमेंट को अपना सर्विस प्रोवाइड करे और कनेक्टेड हो सारे फाइनेंशियल सिस्टम से। इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क ऑफ डेडिकेटेड हाउसिंग फाइनेंस, इसका नाम ही है भाई नेशनल हाउसिंग बैंक NHB, तो ये सारी काम हाउसिंग फाइनेंस के तहत ही कर रहा है, उसी के इर्द गिर्द घूमेगा, है ना। आप भी घूमते रहते हो आगे पीछे, देख लो नहीं घूमना है। इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ अ नेटवर्क डेडिकेटेड हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन टू प्रॉपरली सर्व वेरियस रीजन एंड इनकम ग्रुप, अलग अलग रीजन और अलग अलग इनकम ग्रुप के लोगों को अपना सर्विस प्रोवाइड कर सके उसके लिए। इनहेंस सेक्टर रिसोर्स एंड गाइडिंग देम टुवर्ड हाउसिंग, अपना जो सेक्टर का रिसोर्स था उसको इनहेंस करने के लिए और हाउसिंग के लिए गाइड के लिए आया, टू मेक हाउसिंग क्रेडिट मोर एफोर्डेबल, बिल्कुल जो हाउसिंग लोन था उसको मोर एफोर्डेबल एफोर्डेबल बनाने के लिए ये आया, ठीक है। टू सुपरवाइज द अचीव एक्टिविटी ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बेस्ड ऑन सुपरवाइजरी पावर डिराइव्ड अंडर एक्ट, इनकरेज द एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई ऑफ बिल्डेबल लैंड,
मतलब जो बिल्डेबल लैंड है जिसमें कुछ डेवलप किया जा सकता है उसका उसको एक्सपैंड करने के लिए, और बिल्डिंग मटेरियल फॉर हाउसिंग एज वेल एज अपग्रेडिंग द कंट्रीज हाउसिंग स्टॉक, देश में कितने हाउसिंग स्टॉक है उनको भी डेवलप करने के लिए, उनको भी अपग्रेड करने के लिए आया है। ठीक है, टू इनकरेज पब्लिक एजेंसी टू इमर्ज द एज अ फैसिलिटेटर ऑफ सप्लाई सर्व लैंड हाउसिंग। ठीक है, ये इनकरेज करने आया है पब्लिक एजेंसी को जो फैसिलिटेटर हैं सप्लायर सर्विस लैंड और हाउसिंग के लिए। ठीक है, तो हम लोग ये समझ गए कि एनएचबी क्या था, कब आया, लेकिन एनएचबी का जो सबसे जरूरी डेट था वो डेट है ये कि एनएचबी आया है 9 जुलाई 1988 को वो सेटअप हुआ, सेटअप, और एनएचबी एक्ट आया है 1987 में। ठीक है, ये चीज याद रखना, 75 में आरआरबी आया है, 76 में उसका एक्ट आया है, इसका एक्ट पहले आ गया 1987 में और ये बाद में आया 1988 में, ये याद रखना। और हाँ, जो मैं अभी बोला हूँ आपको इर्द गिर्द घूमने वाली बात, तो घूमते हो भाई, गलत नहीं बोल रहा हूँ, मत घूमो, करियर पे ध्यान दो, और सिर्फ ये बात भाई के लिए नहीं है, है ना। नीड ऑफ डीएफआई, देखो हम लोग ये सारी चीजें पढ़ रहे थे, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे थे एक फ्रेम के अंदर। वो फ्रेम क्या था कि स्पेसिफाइड सेक्टर ऑफ डीएफआई, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के स्पेसिफाइड सेक्टर थे जिसमें चार सेक्टर था, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और हाउसिंग, वो सारी चीजों को हम लोग कवर कर लिए। तो अब डीएफआई का जरूरत क्यों था ये भी देख लेते हैं, है ना, क्या जरूरत था। तो डीएफआई अलग अलग सेक्टर में आया, क्यों आया, तो डीएफआई देखिए, नीड ऑफ डीएफआई, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, एनएचबी तो आया है ना भाई हाउसिंग के लिए, और भी आया इंडस्ट्रियल के लिए, आईडीबीआई आया था, और एग्जिम बैंक फॉरेन ट्रेड का डेवलपमेंट के लिए आया, नबार्ड आया एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए आया। इनएडुकेट एंड इनसफिशियंट इंफ्रास्ट्रक्चर लीड टू हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट, हमारे पास इनसफिशियंट और इनएडुकेट प्रॉपर नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके वजह से हाई कॉस्ट, हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट हो रहा था, विच इन टर्न स्टंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल, ये अब हमारे इकोनॉमिक पोटेंशियल को, इकोनॉमिक ग्रोथ को कम कर रहा था। देयर फॉर डी एफ आई मेक द सेंस एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट इन इनवाइज इनवाइजेज मोबिलाइज नियरली 100 लाख करोड़ फॉर द एम्बिशियस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। इसको देखते हुए मोबिलाइज किया सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर ऑफ गवर्नमेंट मोबिलाइज किया 100 लाख करोड़ का फंड जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जिसको कहा गया है ना, इंटरनेशनल प्रीसीडेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड सेटअप डेवलपमेंट बैंक फिनांस इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल, ये इसको देखते हुए डिफरेंट रीजन में कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बैंक्स बनाए गए, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाए गए। फॉर इंस्टेंस द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ईआईबी एक्ट लाइक डीएफआई इन यूरोप, और ये हम लोग देखते हैं कि यूरोप में डीएफआई की तरह काम कौन करता है, ये ईआईबी करता है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, याद रखिएगा ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लैक ऑफ फाइनेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के फाइनेंस का लैकिंग था। ऑल्दो इंडिया हैज अ लॉन्ग टर्म डेब्ट मार्केट फॉर द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड, इट इज स्टिल आउट ऑफ रीच ऑफ रिटेल इन्वेस्टर एंड अनेबल टू मीट लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग नीड। ये बोल रहा है कि जो हमारा फिनेंशियल, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी कमी थी, लैक ऑफ फाइनेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में फिनेंस की कमी थी, उसको देखते हुए ये चीज किया गया है। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस ट्रिगर्ड कोविड बाई, और जो हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस आया जो ट्रिगर हुआ COVID-19 पेंडेमिक से, ये मार्क नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, ये हम लोग देखेंगे। अब आते हैं नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज का क्लास यहीं तक है। आज के क्लास में हम लोग क्या देखें, हम लोग एनएचबी को देखे हैं, और एनएचबी हाउसिंग के अंदर आया था, हाउसिंग स्पेसिफाइड सेक्टर ऑफ डीएफआई हम लोग देख रहे थे जिसमें हाउसिंग आया, हाउसिंग में हम लोग एनएचबी को पढ़े, और हम लोग नीड ऑफ डीएफआई को भी पढ़ लिए। तो ये वीडियो यहीं तक रहेगा, आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जेआरएफ कोचिंग वाला है चैनल का नाम, या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस पर, और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, कॉल करने का टाइम 5 PM to 8 PM है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यारो, जय हिंद।